एपिसोड के स्टार्ट में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि बहनें थीं और वो इस वक्त अपने घर की लाइट्स ऑफ करके छुप के बैठी हुई अपनी छोटी बहन के आने का वेट कर रही थीं। वो दोनों बातें कर रही होती हैं कि जब वो लोग छोटे थे तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं था। इवन अगर उनके फ्रेंड सेलिब्रेट करने आ भी जाते थे तो उनके पेरेंट्स केक की जगह एग्स बॉइल करके उसी पे कैंडल लगा देते थे। उस वक्त हम इतने गरीब थे कि अपने दांत भी नमक से ब्रश किया करते थे क्योंकि हम टूथपेस्ट तक अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन अब हमारे हालात इतने बेहतर हो गए हैं कि हम अपनी छोटी बहन की बर्थडे पर उसके लिए एक केक बाय कर सकते हैं। तभी वहाँ पे उनकी छोटी बहन एंटर होती है और सामने से उसकी बहने केक लेकर उसे विश करने लग जाती हैं। ये है इंजू जो कि सबसे बड़ी बहन है। इसकी सबसे बड़ी विश ये है कि ये अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ स्पेंड करना चाहती है और इतने पैसे कमाना चाहती है कि वो आराम से अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन दे सके। ये है क्योंग जो कि इंजू से छोटी है और एक न्यूज रिपोर्टर है। क्योंग मनी को ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझती बल्कि इसका एम ये है कि ये वही करना चाहती है जो कि बिल्कुल सही है। और ये है इन्हें, इन दोनों की सबसे छोटी बहन जिसे इसकी बहनें बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और इसकी हर विश पूरी करना चाहती हैं। इन्हें एक आर्ट स्टूडेंट है जो पेंटिंग बहुत ही अच्छी करती है। नेक्स्ट सीन में तीनों बहनें अपनी मॉम के साथ डिनर कर रही होती हैं। तब इंजू और क्योंग उसे गिफ्ट के तौर पे पैसे देती हैं और कहती हैं कि तुम फील्ड ट्रिप पे यूरोप जाना चाहती हो, इसलिए इन पैसों से ट्रिप के लिए अप्लाई कर दो। ये देख के इन्हें तो बहुत खुश हो जाती है। तभी उनकी मॉम इन्हें से पैसे ले लेती हैं। वो एतराज करती हैं कि आखिर तुम लोग कभी खुद भी ट्रिप पे गई हो जो अपनी छोटी बहन को भेज रही हो। ये कह के वो पैसे काउंट करने लग जाती हैं। इंजू बोलती है कि हम पिछले 4 साल से डैड के कर्जे उतार रही हैं और उनके एक्सपेंसिव और रेंट भी हम ही पे करते हैं। क्योंग कहती है कि इन्हें ने अपनी स्किल्स की वजह से कोरिया के बेस्ट आर्ट स्कूल में एडमिशन लिया है, वो भी फुल स्कॉलरशिप पे। हमने तो उसकी मदद भी नहीं की थी, क्या अब हम उसे फील्ड ट्रिप पे भी नहीं भेज सकते? यहाँ मॉम कंफ्यूज होके बोलती हैं कि मुझे तो लगा था कि ये चैरिटी बेस पे टेस्ट देकर स्कूल में गई है। ये सुन के इन्हें बहुत सैड हो जाती है। उसे अफसोस होता है कि उसकी मॉम को ये तक नहीं पता कि उसने अपने हार्डवर्क के थ्रू आर्ट स्कूल में एडमिशन लिया है, न कि किसी चैरिटी बेस पे। इंजू को अपनी मॉम पे बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे पैसे खींच लेती है। रात को उन तीनों के सोने के बाद उनकी मॉम अपना सामान पैक करके और वो पैसे उठा के वहाँ से भाग जाती है। सुबह अपनी मॉम का लेटर पढ़ के उन्हें बहुत गुस्सा आता है जिसमें लिखा था कि मैंने आज तक अब्रॉड ट्रेवल नहीं किया लेकिन अब मैं अपनी लाइफ अपने लिहाज से जीना चाहती हूँ जिसमें मुझे तुम लोगों की फिक्र ना हो। इन्हें को अब्रॉड जाने के बहुत मौके मिलेंगे इसलिए मुझे माफ कर देना। फिर वो दोनों अपनी छोटी बहन इन्हें को तसल्ली देती हैं कि वो दोबारा से पैसों का अरेंज कर लेंगी। इन्हें उन्हें मना कर देती है। वो कहती है कि मैं वैसे भी ट्रिप पे नहीं जाना चाहती थी। ये सुन के इंजू और क्योंग बहुत वरिड हो जाती हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अपनी छोटी बहन का सही से ख्याल नहीं रख पा रही, इसलिए वो डिसाइड करती हैं कि वो हर हाल में उसे ट्रिप पे भेजेंगी। नेक्स्ट डे ऑफिस में इंजू काफी एम्बेरस होके अपनी सीनियर से एडवांस सैलरी मांगती है लेकिन वो तो उसे काफी बातें सुना के इनकार कर देती हैं। ऐसा वो इसलिए करती हैं क्योंकि वो इंजू को एक लो लेवल लड़की समझती थी। उसकी स्टेटस होल्डर कोलीग्स हमेशा एक दूसरे से गिफ्ट एक्सचेंज करती रहती थी और मील्स एंजॉय करती थी लेकिन इंजू को कोई भी नहीं पूछता था क्योंकि सब कोलीग्स उसे लो स्टैंडर्ड समझते थे। ये बात इंजू बहुत ज्यादा फील करती थी। उसका भी दिल करता था कि वो किसी एक्सपेंसिव होटल में किसी के साथ जाके डिनर या लंच करे। उसके बाद इंजू अपनी एक कोलीग के पास जाती है जो कि उसकी तरह दूसरे लोगों से दूर रहा करती थी या यूं कहें कि उसे भी कोई नहीं पूछता था। इन लेडी का नाम योंग था। इंजू उसे पूछती है कि यहाँ के लोग हमें पसंद क्यों नहीं करते। योंग बताती है कि यहाँ के कुछ एम्प्लॉयज की काफी प्रोमिनेंट एजुकेशन है या फिर वो ऑलरेडी एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक लो लेवल स्कूल से पढ़ी हूँ और मुझे आज तक किसी ने शादी करने का नहीं पूछा, इसलिए मैं अनमेरिड हूँ। ये सुन के इंजू कहती है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं भी 2 साल एक अकाउंटिंग स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरी फैमिली पुअर है और मुझे डिवोर्स भी हो चुकी है। आफ्टर दिस योंग योगा करने लगती है और इंजू उसे फॉलो करती है। इस दौरान योंग उसे कहती है कि तुम्हें उस लेडी से एडवांस नहीं मांगना चाहिए था, वो तुम्हें एक लो लेवल समझती है। मैं तुम्हें बदले में पैसे दे दूंगी। ये सुन के इंजू उसे थैंक्स बोलने लग जाती है। योंग कहती है कि जब मेरी मॉम की डेथ हुई थी तब पूरे ऑफिस में से सिर्फ तुम मुझसे मिलने आई थी। तुमने मेरा बहुत साथ दिया था और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये सुन के इंजू स्माइल करने लग जाती है। तभी उसकी नजर योंग की लेग पे मौजूद टैटू पे पड़ती है जिसपे 10/22 लिखा हुआ था। जब वो योंग से इस डेट का मतलब पूछती है तो वो बताती है कि इस दिन मेरी मॉम की डेथ हुई थी। अब हम क्योंग का ऑफिस देखते हैं जहाँ डायरेक्टर वैन उसकी रिपोर्ट सुन
रहे होते हैं। रिपोर्टिंग के दौरान वो इमोशनल हो जाती है। यहाँ डायरेक्टर वैन उससे पूछते हैं कि क्या तुम रिपोर्टिंग के दौरान रो रही थी, तो वो एक्सक्यूज बनाती है कि शायद ये मेरी एलर्जी का रिएक्शन है। लेकिन मिस्टर वैन तो उसे कह देते हैं कि आखिर एक रिपोर्टर कैसे इमोशनल हो सकता है। ये कह के वो चले जाते हैं। क्योंग के साथ बैठी जेंग हंसने लग जाती है। आफ्टर दिस वॉशरूम में क्योंग माउथ वॉश यूज कर रही होती है, तभी वहाँ पे जेंग भी आ जाती है। क्योंग उसे देख के थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि मैं सच में रिपोर्टिंग के दौरान इमोशनल नहीं हुई थी, मैं रोजाना हर तरह के केसेस पुलिस स्टेशन में देखती हूँ। जेंग बोलती है कि तुम मर्डर, सुसाइड, चाइल्ड अब्यूज, हर तरह के केसेस की रिपोर्टिंग करते हुए बहुत इमोशनल हो जाती हो। मिस्टर वैन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें अपनी एक्सपर्टीज यानी स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए। क्योंग बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही हूँ और रिपोर्टिंग करना ही मेरी बेस्ट स्किल है। जेंग उसे देख के पूछती है कि क्या तुम एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हो, क्योंकि तुम कभी भी कंप्लेन नहीं करती। ये कह के वो चली जाती है। पीछे क्योंग हैरान खड़ी रह जाती है। उसके हाथ में माउथ वॉश की बॉटल होती है। बाद में वो लोन के लिए अप्लाई करने का सोचती है, क्योंकि उसने वो पैसे अपनी छोटी बहन के लिए यूज करने थे। तभी उसे उसकी आंट की कॉल आती है। वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो सैटरडे मॉर्निंग 6:30 बजे ब्रेकफास्ट करने आ जाना। ये सुन के क्योंग अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। अब रात में वो दोनों बहनें अपनी आंट के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं कि वो हर बार उनकी मॉम की बुराइयां करती हैं और वो रिच होने के साथ साथ थोड़ी रूड भी हैं। इंजू उसे कहती है कि मैं बहुत जल्द एक रिच पर्सन से शादी करके अमीर हो जाऊंगी, फिर इन्हें और तुम मेरे साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड करना। अब हम इन्हें को देखते हैं जो बहुत कंसंट्रेशन के साथ पेंटिंग कर रही होती है। नेक्स्ट डे इंजू अपनी फ्रेंड योंग के साथ एक बहुत एक्सपेंसिव होटल में लंच करने जाती है। तभी उसकी शूज की हील ब्रेक हो जाती है, तो योंग अपने खुद के शूज उतार के उसे दे देती है। वो इंजू को बहुत ही गॉर्जियस और कंफर्टेबल लगते हैं। योंग उसे बताती है कि ये शूज मैंने अपनी लास्ट बर्थडे पर खुद के लिए बाय किए थे और ये बहुत ही एक्सपेंसिव और ब्रांडेड शूज हैं। ये सुन के इंजू तो बहुत हैरान होती है। फिर जब वो रेस्टोरेंट में एंटर होती है तो उसके शूज देख के एक लेडी चौंक जाती है। लंच के दौरान इंजू योंग से पूछती है कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे होते तो आप उनका क्या करती। योंग बोलती है कि मैं उन पैसों को लेकर एक ऐसी जगह रहने चली जाती जहाँ पे मेरे अलावा कोई ना हो। लेकिन तुम क्या करती उन पैसों का। इंजू कहती है कि मैं एक अपार्टमेंट बाय करती जिसकी बहुत खूबसूरत विंडोज हो और जहाँ हमें कोई परेशानी ना हो, तब मैं वहाँ अपनी बहनों के साथ सुकून से रहती। योंग ये सुन के उसे अप्रिशिएट करती है। फिर वो इंजू को पैसे सेंड कर देती है जितने उसे जरूरत थी। पैसे मिलने के बाद इंजू उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि मैं बहुत जल्द आपको ये पैसे लौटा दूंगी। तब योंग उसे कहती है कि तुम्हें मेरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो याद होगा जो मैंने बनाया था। इंजू बोलती है कि हाँ मुझे याद है, उसका नाम बुक कीपर था। योंग कहती है कि फ्यूचर में वो बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, हम दोनों उसकी वजह से अमीर हो जाएंगे, तुम बस इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दो। वो फॉर्म सारा इंग्लिश में था और इंजू उस एम्प्टी फॉर्म पे साइन कर देती है। बाद में जब इंजू वॉशरूम जाती है तो वहाँ वही लेडी जो उसके शूज देख के चौंक गई थी वो आती है और उसे कहती है कि हम दोनों के शूज एक जैसे हैं, ये तुमने कहाँ से लिए। इंजू बोलती है कि ये मुझे गिफ्ट मिले हैं। वो लेडी बताती है कि इस शूज के सिर्फ 3 पेयर्स ही कोरिया में बने थे। ये बता के वो वहाँ से चली जाती है। पीछे इंजू उन शूज को देख के बहुत हैरान होती है। और इसी के साथ इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय। Just a fire.